इसने कॉलेज में हो रहे रैगिंग का विरोध किया। लड़का बहुत ही शरीफ है, अपना कंप्लेन वापस ले लीजिए। अच्छा ये बताइए, इसे आप जानते कैसे हैं? मेरे पापा है सर। हाँ पापा भी ना सारी दुनिया का कहां मानते हैं, लेकिन खुद के बेटे का कहां नहीं मानेंगे। अरे मेरी किस्मत में पढ़ाई नहीं लिखी है तो इसमें मेरी क्या गलती। बेटा गलती करता है तो पापा उसे डांटते हैं, लेकिन ये तो दूर भागते हैं। नमस्ते। अरे तू तो फिर जाकर ज्वाइन हो गया। सैलरी बढ़ा दी ना इसलिए। भाई साहब आपको है कितनी देर हो गई? काफी देर से आया हूँ, हम बाद में बात करेंगे, मैच बहुत इंटरेस्टिंग है। गीता बेटा, गीता बेटा, जरा दो कप स्ट्रॉन्ग कॉफी लेके आ बेटा, बहुत टेंशन वाला मैच है। ठीक है। शक्कर जरूर डालना। कोई जरूरत नहीं है, आपका शुगर 240 और बीपी 120 है, दो बार हार्ट अटैक आ चुका है। ए शक्कर मत डालना। ठीक है। ए रामाचारी तू कहाँ जा रहा है, यहाँ पे बैठना, इंडिया जीतेगा ना। पक्का। तू कहाँ चला, तू बैठा रहेगा तो इंडिया जीत जाएगी, तू यहीं रह। अब दो बॉल बाकी हैं और 6 रन चाहिए। जीतेंगे अंकल। बोला था ना अंकल। अरे वाह। गीता कैसी है भाई साहब? अच्छी है बेटा, वो भी मेरा ख्याल रखती है, स्टडी भी करती है, दोनों काम में अव्वल है मेरी बेटी। हाय, कैसे अंकल? अब मैं ठीक हूँ बेटा। कांग्रेट्स, प्रमोशन मिला है ना तुझे? जी अंकल। हैरी को आपने ही पढ़ाया है इसलिए इतनी अच्छी नौकरी मिली है उसे, हमारी जिम्मेदारी भी हैरी ने उठा ली है। आपका एहसान हम कभी नहीं भूल सकते। रिश्तेदारी में एहसान कहाँ होता है, इनमें और मेरे बच्चों में क्या फर्क है, दोनों तुम्हारा नाम रोशन करेंगे। नाम तो जरूर रोशन करेंगे, लेकिन वक्त ही बताएगा कि अच्छे के लिए या फिर बुरे के लिए। दिव्या देखो शूट मत करो प्लीज, डिलीट मारो। तो 500 रुपए लगेंगे। 500 रुपया? पुलिस वाले भी तेरे जैसे नहीं है, 100 रुपए में सेटलमेंट कर लेते हैं। ये ले ब्लैकमेलर। वापस लौटा दूंगी तो खुश हो जाओगे ना तुम? जान जल रही है, जाके मोरे भैया की डीवीडी देख ले, तब पता चलेगा बहन कैसी होती है। हाँ? तू 1 साल और बोर्डिंग में रहती तो वही तेरी पढ़ाई पूरी हो जाती, लेकिन तेरे पापा को इतनी समझ कहाँ। मैं आप सबको वहाँ बहुत मिस कर रही थी, मेरा वहाँ बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। माँ ये कॉलेज भी सच में बहुत अच्छा है। ये लो। चाहे कॉलेज में हो या फिर इस इलाके में, अपने आप को संभालना, किसी लड़के को ज्यादा एंटरटेन मत करना। अशोक आज के बाद दिव्या के मामले में कोई भी डिसीजन लेना हो तो मुझसे पहले पूछ लेना। ओके मैडम। तुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, एरिया में हो चाहे कॉलेज में हो, कोई तुम्हें परेशान ना करे उसके लिए मैं हूँ, मेरे दोस्त लोग भी हैं, तो टेंशन मत ले। मुझे सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, मेरी सेफ्टी की बिल्कुल टेंशन मत लो। और हाँ तुम्हें कोई सता रहा है तो बता दो, मैं उससे निपट लूंगी। आज रामचारी कॉलेज में आया है क्या? क्यों क्या हुआ, तुम्हारी अटेंडेंस शॉर्ट है या फिर कोई डोनेशन की प्रॉब्लम है या फिर कोई लुच्चा लफंगा आवारा लड़का तुम्हारे पीछे पड़ गया है, बताओ क्या बात है? ऐसी कोई बात नहीं है सर, उसे सिर्फ हाय कहना था मुझे इसलिए। सिर्फ हाय कहना था? वो डेली कॉलेज में हाजिरी नहीं लगाता है, लेकिन चाय की टपरी पे मिल जाएगा, वहाँ जाके देख लो। एक्सक्यूज मी, रामचारी आज तुम्हारे यहाँ आया था क्या? नहीं मैडम। वो सिगरेट तो पीता है ना? पीता है। उसकी सिगरेट अच्छी है या फिर बुरी है? सिगरेट का भी अच्छी या बुरी होती है क्या मैडम, सब तो धुआं ही है। पासा, पासा। जी भाई। आजकल तू बहुत दादागिरी कर रहा है, लड़कियों को घूरता है, तेरे घर पे माँ बहन नहीं है क्या? रुको भाई, सच क्या है बताता हूँ भाई, वो मुझे देखती है तो मैं उसे देखता हूँ, उसके घर पे बाप भाई नहीं है क्या? वो भी फुल लोफर भाई पक्का।
प्यार करने वाली लड़कियां जब मुड़कर देखती हैं तो दिल हिल जाता है। वो किलर है बॉस। उनकी आंखों में इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों दिखाई दे तो लव है भाई लव। सन, दोबारा तेरी शिकायत आई ना तो तेरा काल लाल कर दूंगा। इसे सुधारने निकला तो ये मुझे गलत राह पे ले जा रहा है। ये उस लड़की में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है? उसका जादू चल रहा है। पहले ही शर्तें रख देना तो आगे तकलीफ कम होगी। उसमें गुस्सा बहुत है, वो किसी की भी नहीं सुनता। उसे सिगरेट पीने की बुरी आदत है। माना कि सिगरेट की आदत बुरी है, लेकिन वो लड़का बहुत अच्छा है। उसके जितना जिगर वाला लड़का इस पूरे कॉलेज में ढूंढ कर भी नहीं मिलेगा। उसकी हंसी, उसकी बातें कैसी है भाई? कॉलेज का टाइम हो गया, मैं जाऊं क्या? ए, तेरा टाइम पूरा करूं क्या? और बोलूं क्या भाई? बार बार उसके करीब जाने का मन करता है। वो और उसकी बातें याद आने लगती हैं। बोल तो एकदम सही रहा है। अरे डब्बा, यार उसे क्या हो गया है? मेरे हिसाब से रामचरी को लव हो गया है। लव हुआ है? हाँ। वो भी रामचरी को? हाँ। मतलब उसके रास्ते लग गए। अच्छा ये बता, ये वन वे है या टू वे है? उसकी हरकतों से तो मुझे लग रहा है कि वन वे ही होगा। अरे भाई तो तुझे उसकी मदद करनी चाहिए। क्यों भाई रामाचारी, ये प्यार बहुत खतरनाक चीज है भाई। सोच समझ कर ही कूदना इसमें। सोच कर मैंने जिंदगी में कभी कुछ नहीं किया। ये प्यार भी बिना सोचे हो गया। देख रामाचारी, तू अकेला है इसीलिए आराम से जी रहा है। ये प्रेम रोग जब लगता है ना तो डेली रात को बात करनी पड़ती है, डेली मिलना पड़ता है, पैग भी लिमिट में लगाना पड़ता है। ये सब तेरे बस की बात नहीं है यार। अच्छा ये बता, कल को उसका भाई दीवार बनेगा तो तू क्या करेगा? उसी के एरिया में उसे दौड़ा दौड़ा के मारूंगा। जो इसका साला बनेगा उससे तो चुल्लू भर पानी में डूबना पड़ेगा। आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर व्यस्त है, कृपया थोड़ी देर बाद प्रयत्न करें। आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर व्यस्त है, कृपया थोड़ी देर बाद प्रयत्न। आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर व्यस्त है, कृपया थोड़ी। फोन नहीं उठा रहा है, ऐसा क्या जरूरी काम कर रहा है वो? हमारे हीरो के सबसे बड़े फैन की जय। हमारे हीरो के फैन की जय। हमारे हीरो के फैन की जय। हमारे हीरो के फैन की जय। क्या बात है रामाचारी, स्टेज पर तो तुमने कमाल ही कर दिया। ऑर्केस्ट्रा के तुम आज के सबसे बड़े सुपरस्टार हो यार। औरों को आने दो, नयापन लाने दो, हिंदुस्तानी संगीत पूरी दुनिया में गूंजनी चाहिए। हाय हाय, अपना मोबाइल दोगे जरा? क्यों, तुम्हारे मोबाइल में बैलेंस नहीं है क्या? कल से लेकर आज तक 10 बार फोन कर चुकी हूँ मैं। फोन उठाने में तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? लड़कियों का नंबर लेने के लिए लड़के तड़पते हैं। एक मिस्ड कॉल दे दे तो मोबाइल का दम निकलने तक बात करते हैं। और एक तुम हो जिसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्यों? अगर ये सिम चाहिए तो कल से तुम्हें रोज कॉलेज में प्रेजेंट रहना पड़ेगा। ये रामाचारी, दत्तू और डब्बा के रात को मिलने की जगह है, जो एक चाचा हमारे लिए छोड़ गए हैं। हम तीनों मिलते मिलते दोस्त बन गए और पीते पीते क्लोज फ्रेंड हो गए। आप सोच रहे होंगे कि ये साइड में रखा ब्लैक बोर्ड क्यों है? ये रामाचारी का कॉन्सेप्ट है। हम लोग क्यों पीते हैं इसका कारण हम लोग यहाँ लिखते हैं। रीजन जानने के बाद रामाचारी डिसाइड करता है कि कितना पीना है। फ्रेंड्स लोग ज्यादा पीकर बर्बाद ना हो इसीलिए ये डोज है। ए भाई, किन ख्यालों में खोया हुआ है? चल शुरू करते हैं यार। दत्तू, हाँ, पार्टी की वजह क्या है यार? आज मैं बहुत खुश हूँ यार। हॉस्टल में रहने वाली मेरी बहन घर लौट आई है, सिस्टर सेंटीमेंट। 60। और डब्बा, अब तू बता। मैं क्या बताऊँ, लव फेलियर है यार। आज भी सिर्फ सोडा, कम से कम 30 तो पीने दे यार। लव और पैसे के मामले में जो फेल होता है वो एक नंबर का लूजर होता है। या तो खुद को संभालो या गम भूल जाओ। इतने से गम नहीं जाएगा, मुझे ये पीना पड़ेगा। 120 लिखा, 120 किस खुशी में भाई? लव, पहले 30 उसका पता लगाया उसके लिए, दूसरे 30 मेरा मोबाइल तोड़ा इसलिए, तीसरे 30 मेरा सिम कार्ड ले गई इसलिए, और लास्ट के 30 मुझे डेली कॉलेज जाना पड़ेगा उसके लिए। चीयर्स।
प्यारे इतनी जल्दी डेवलपमेंट कैसे हो गया? जिसे तू ढूंढ रहा था वो मिल गई, वो भी तेरे इलाके में। लगता है वो लड़की तुझमें ज्यादा इंटरेस्टेड है। देखना यार किस्मत का भी क्या खेल है। जो लड़के हमारी तरह शराफत की जिंदगी जीते हैं उसे लड़कियां भाव ही नहीं देती, लेकिन ऐसे टपोरियों के पीछे अपनी जान छिड़कती हैं। ये अपनी बकवास तू बंद कर। जो लड़कियों को ज्यादा टाइम देता है लड़कियां उसी से पटती हैं। इसके पास कोई काम धाम नहीं है इसीलिए टाइम दे पाता है। मैं सुन रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि तू जो मन में आया वो बकता चला जाए। तू मेरा सपोर्ट कर या मत कर, रामाचारी तो प्यार की राह में निकल चुका है। कल से हमारा प्यार बिना रुके चलता चला जाएगा। सुन, उस लड़की ने ओके कर ही दिया है तो फिर किस बात का डर? आज से तुम दोनों के प्यार को मेरा फुल सपोर्ट। उसके घर वाले क्या, कोई भी बीच में आया तो मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा। अब आगे मैं क्या करूं? और क्या करेगा, जाके प्रपोज कर यार। तू चुप कर यार, लड़की को तो तूने ऑलमोस्ट पटा लिया, अब घर वालों को पटा, वरना लास्ट मोमेंट पे बोलेगी ओहो मेरे घर वाले नहीं मान रहे और तुझे टांग दे देंगे। क्यों इसे घर तक पहुंचाने का आइडिया दे रहा है? प्यारे ये तेरे घर तक नहीं पहुंचेगा, तू टेंशन मत ले, चुप रहे। रामाचारी कल से तू प्रेमचारी। था क्या बॉस, सबको यहां से बाहर निकालूं क्या? तू अपना ढक्कन बंद रख। सॉरी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। यहां आइए। मास्टर जी यू कंटिन्यू।